नमस्कार श्रोताओं, आपको हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज मैं आपको प्रमाण सहित एक कहानी बताऊंगा कि जो नारद जी थे उनकी शादी हुई या नहीं हुई, शादी हुई थी तो उनके पति का क्या नाम था, उनके ससुर जी का क्या नाम था, कौन से राज्य से हुई थी, कब हुई थी, उसके बारे में हम आपको बताऊंगा। कि लोग कहते हैं कि नारद जी की शादी नहीं हुई, मगर मैंने जिस पुराण से ली है उस पुराण में वर्णित है, मैं प्रमाण सहित इस वीडियो में आपको बताऊंगा। श्रोताओं, एक बार की बात है, जलमेश और वेद व्यास जी बैठे थे, दोनों लोगों में धार्मिक चर्चाएं चल रही थीं। जलमेश ने वेद व्यास जी से पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि नारद जी की शादी हुई या नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, मैं आपको जलमेश जी, वेद व्यास जी कहते हैं, ध्यान से सुनिए, नारद जी और उनकी बहन का पुत्र पर्वत मुनि दोनों लोग आपस में वार्तालाप कर रहे थे, विचार कर रहे थे, धार्मिक चर्चाएं कर रहे थे। नारद जी से एक दिन पर्वत मुनि बोले, चलो, हर के लोग स्वर्ग में रहते रहते बहुत दिन हो गए, चलो मृत लोग में घूम के आते हैं। उन्होंने कहा चलो। पर्वत मुनि ने कहा, घूमने से पहले एक मेरी शर्त है, वो आपको माननी होगी। नारद जी बोले, बताओ क्या शर्त है। कि आप मृतलोक में चलोगे तो जरूर, मगर जो भी आपके मन में विचार आए, किसी के प्रीत सद्भावना जैसे जागृत हो, कोई भी आपके मन में विचार आएंगे वो आप मुझे बताओगे जरूर। आगे पहले मुझे वचन दो। नारद जी बोले, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो भी आपके मन में आए वो भी मुझे बताना, जो मेरे मन में आएगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आपको मेरे चैनल पर एक से एक अच्छी नॉलेज भर वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो दोनों लोगों में वचन पाबंद हो गए और दोनों लोग भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते हमारे भारत भूमि पर आ गए, भारत में आ गए और भ्रमण करते 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 ग्रीष्मकाले लगी चौमासा आ गया। लोग चौमासा में अधिक भी तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि चौमास में जीव और जंतु की हत्या काफ़ी होती है। चलते चलते एक राजा थे संजय, संजय के राज्य में दोनों लोग नारद जी और पर्वत मुनि पहुंच गए। तो जब संजय ने, राजा महाराज संजय ने देखा दोनों मुनियों को और उनके चरण स्पर्श किए और स्वागत किया, अभिनंदन किया, सत्कार किया कि आप मेरे अतिथि हो, अतिथि देवो भव, आप मेरे महलों में विराजिए, मुझे सेवा का मौका दीजिए, अवसर दीजिए। श्रोताओं, नारद जी वहां रहने लगे और पर्वत मुनि भ्रमण करने लगे। और जो महाराजा, जो महाराज थे संजय, उनकी एक लड़की थी, पुत्री थी, जो चंद्रमा समान सुंदरी, जिसे कहा नहीं जाता, जिसके ऊपर कामधेनु सब प्रसन्न हो जाते हैं, सब लज्जा कर जाएंगे, इतनी सुंदर थी। उसके लिए महाराज ने नारद जी की सेवा के लिए लगा दिया। जो राजा की पुत्री थी उसका नाम था दमयंत्री, दमयंत्री जो नाम था उसका, क्योंकि दमयंत्री थी, बहुत ही सुशील थी और बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो भी चाहती थी कि मुझे कोई वर मिल जाए। खूब उसने नारद जी की सेवा की, खूब, क्योंकि बहुत, और सेवा करते ही करते उसे आँखों में आँखें मिल गईं, नारद जी की आँखें जब उस दमयंत्री से लड़ी और दमयंत्री की आँखें नारद जी से लड़ी, आँखों आँखों में ही प्यार हो गया नारद जी को।
जब नारद जी को प्यार हो गया, नारद जी आसक्त हो गए, क्योंकि उसके बाद में जब दमयंत्री ने अपना पति नारद जी को मान लिया, तो क्योंकि दमयंत्री थी वो पति व्रता थी, ये बात जब उसके पिताजी थे राजा, वो स्वयंवर करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा बेटी से पूछ लो, माँ को बुलाया और कहा, तो बेटी ने कहा मैं तो इन नारद जी को अपना पति मान चुकी हूँ, मैंने इन्हें दिल से मान लिया है, मैं पति व्रता नारी हूँ, मैं दूसरा कोई पति नहीं कर सकता हूँ। तो लोगों ने कहा इनकी शक्ल तो बंदर समान है, आप इस बानर को से शादी करोगी? वो बोली, बेटी बोली, दमयंत्री नहीं, ये भले ही बंदर के समान हो, मैंने इन्हें पति मान लिया है तो पति मान लिया है। दोनों लोगों, जब दमयंत्री और नारद जी की महाराज संजय जी ने शादी कर दिया, उनके लिए एक उचित स्थान उचित महल दे दिया रहने के लिए, जब रहने के लिए दे दिया, उधर पर्वत मुनि तीर्थ यात्रा करने के बाद जब आए, उन्होंने देखा एक स्त्री नारद जी की सेवा में चरण दबा रही है, स्पर्श कर रही है, सेवा भाव से डटी हुई है। तुरंत नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप तो कहते थे मैं आपको, मेरे मन में कुछ भी आएगा मैं आपको बताऊंगा, आपने बताया क्यों नहीं? मैं आज उसी समय पर्वत मुनि ने देखा और वचन मुक्त कर दिया। जब वचन मुक्त करा तो नारद जी की जो शकल थी बानर के रूप में, वो बिल्कुल एक सुंदर से पहले जैसा जो उनका चेहरा था वैसा ही चेहरा हो गया। और जब ये बात दमयंत्री ने देखी तो दमयंत्री खुश हो गई, उसने तुरंत अपने महाराज, अपने पिताजी और माता को बुलाया और आशीर्वाद लिया। उसके बाद में कुछ दिन और रहे नारद जी, ये मैं वेद पुराणों से मैंने ये लिया है, ये प्रमाण सहित वीडियो है और मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद में नारद जी को आज्ञा दी उनकी पत्नी ने, जो उनकी पत्री दमयंत्री ने, क्योंकि दमयंत्री अनंत काल तक तपस्या पे बैठ गई और वो तपस्या करती रही, तपस्या में तपस्या, तपस्या पे तपस्या, और उसने अपने पति नारद जी को स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दे दी। नारद जी स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद में वेद व्यास जी जलमेश कहते थे, ये थी नारद जी की कथा, ये प्रमाण सहित, ऐसे नारद जी ने शादी की थी, नारद जी की पत्नी का नाम दमयंत्री था, नारद जी के ससुर का नाम संजय था। अगर आपको ये वीडियो मेरी छोटी सी अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।